सागर के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में मंत्री क्रिकेट कप का अब समापन हुआ है और समापन के अवसर पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और बीजेपी के युवा नेता कार्तिकेय सिंह चौहान ने विजेताओं को पुरस्कार बांटे। इससे पहले मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, कार्तिकेय सिंह चौहान और आकाश सिंह ने जनता का अभिवादन किया। वहीं इस खेल कार्यक्रम की एक खास झलक देखने को मिली, जहां खिलाड़ियों ने फिल्म लगान की तर्ज पर धोती कुर्ता और सिर में गमछा बांधकर खेला, जिससे यह थीम दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बनी। हमारे लिए ये सौभाग्य का विषय है कि हम वो माध्यम बन रहे हैं जिनके माध्यम से उन्हें खुशियाँ मिल रही है। क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कर तभी मेरे मन में ये विषय भी आया कि युवाओं से संबंधित हर विषयों को एड्रेस करना चाहिए, जिससे युवा का फायदा हो। हम युवा साथ मिलकर कैसे वो पल उनके जीवन के सबसे यादगार पल रहे, इसकी चिंता करते हुए एक आयोजन करें। तो ये कई विषय हैं और मैं मानता हूँ कि मैं अभी परिपक्व राज्यता नहीं हूँ, इंडिया एक परिपक्व राज्यता नहीं है, लेकिन हमें करने की हमें जुनून है, इन सभी क्षेत्रों में करने की मेरी इच्छा है। और आप सभी मीडिया बंधुओं के आशीर्वाद से, सभी मध्य प्रदेश वासियों के आशीर्वाद से मुझे पूरा यकीन है कि अपने लक्ष्य को अदा किए, हमारे लक्ष्य को हम प्राप्त करने में कामयाब होंगे। गाँव के लोगों को, ग्रामीण परिवेश के लोगों के लिए एक मंच देने का प्रयास था और मुझे खुशी हुई कि यहाँ 428 टीमें खेली और 428 टीमें एक विधानसभा में कहीं नहीं खेली। वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड वाले जो आए हैं उन्होंने भी यहाँ हम लोगों को पुरस्कृत किया है और रिकॉर्ड अपने आप में कायम करने के लिए ये देखिए हम लोगों के लिए यहाँ उन्होंने ये पहनाया हुआ है। ये इस बात का प्रतीक है कि बहुत बड़ी मेहनत हमारे सारे युवा साथियों ने की है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये कार्यक्रम की जो शुरुआत है, इसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि सुर्खी विधानसभा के एक एक गांव में हम छोटे छोटे खेल के मैदान बनाएंगे ताकि हमारे नौजवानों को खेलने की सुविधा मिले। और आज इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में हमारे कार्तिकेय चौहान जी आए हैं, इससे युवाओं को बहुत अच्छा लगा और उनको ऐसा लगा कि अपना कोई है जो उनके बीच में है। मैं कहूँगा कि सुर्खी के युवा आगे बढ़ें, खेल में भी रोजगार में भी आगे चल के हम युवाओं के लिए रोजगार मेले भी लगाने वाले हैं ताकि हमारे यहाँ के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके।